कई आयुर्वेदिक किचन हर्ब्स ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल से हमारे डेली लाइफस्टाइल में हम बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं और उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा बॉडी में होते हैं। तो हमें तो एक मैं कहूँ इंडियन किचन के लिए किचन हर्ब्स जितने भी हैं एक वरदान करके ही साबित होते हैं। और उसमें एक बहुत ही अहम चीज़ है जो हम हल्दी जिसे हम कहते हैं, और हल्दी का प्रयोग रेगुलरली किचन में होता ही है। हल्दी के सिवाय तो हमारी इंडियंस में कोई करी बनती नहीं है। और हल्दी जो है बहुत ही अच्छे शारीरिक गुण लाती है, और हल्दी के गुण जितने भी मैंने बताऊं उतने कम हैं। लेकिन हल्दी का एक्सेस उपयोग शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, और कई लोगों को हल्दी का प्रयोग पर्टिकुलर बीमारी में या शारीरिक कंडीशन में नहीं करना चाहिए, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि हल्दी हम बहुत ही कम और मिनिमम प्रमाण में ही वापरते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उनको सुनी सुनाई बातों पे या थोड़ा रिसर्च अपना सेल्फ करके हल्दी, मुझे याद है कई लोगों ने मुझे कहा कि दूध में डाल के रोज रात को एक चम्मच आधी चम्मच ऐसे लेते रहते हैं और फिर उसके साइड इफेक्ट्स बॉडी में दिखाई भी देते हैं, तो एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि ये हल्दी की वजह से होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर्ब्स जो है उनके अच्छे गुण हैं, लेकिन अगर कोई भी हर्ब हो, कोई भी वनस्पति हो, अगर उसका बॉडी के टाइप के अनुसार, बॉडी कंडीशन के अनुसार, उसके अंदर वाता पित्ता कफा का जो सम्मिश्रण रहता है उसको देखते हुए अगर इस्तेमाल करो और पर्टिकुलर डोसेज में उसका इस्तेमाल करो तो ही उसके गुण दिखाई देते हैं। हल्दी के ऊपर मैं प्रिकॉशनरी तौर पर कहूँ कि जिनको खास करके अगर जो महिला है ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, उनको हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो पर्टिकुलर 40 डेज पोस्ट डिलीवरी खाने पीने में अगर हल्दी नहीं डालते हैं तो बहुत ही अच्छा कहा जाता है। ओनली इन द केस कि अगर आपका पोस्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग्स को रुकाने के लिए कोएगुलेशन के हिसाब से हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है पता करना कि आप हल्दी अगर आप एक्सेस मात्रा में ले रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर मेडिकल तौर पर आपको एडवाइज रखना चाहिए कि ये हल्दी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। खास करके जिनको लीवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉन्डिस हो, फिर दो टाइप के जॉन्डिस होते हैं, और दोनों टाइप के जॉन्डिस में हम कहते हैं नॉर्मली कि आप हल्दी का प्रयोग जो है बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि लीवर और हल्दी का एक्सेस प्रमाण जो है वो बहुत ही हानिकारक साबित होता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन्स वालों के लिए भी हम कहते हैं कि हल्दी का प्रयोग आप मत कीजिएगा। तो हल्दी आप कौन से तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पता करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर रेगुलरली सिंपल डाइजेस्टिव तौर पर या ब्लड प्योरिफिकेशन के तौर पर अगर आप छोटे थोड़े मात्रा में जब हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो उसके गुण तो सभी को पता है कि हल्दी त्वचा के लिए अच्छी होती है, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए अच्छी होती है, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए अच्छी होती है। लोकली अगर आप लगाते हैं तो सूजन कम होती है, दर्द कम होता है, लेकिन अधिक मात्रा में जाने अनजाने जब आप हल्दी लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो आप ध्यान रखेगा कि हल्दी मेडिसिनल तौर पर इस्तेमाल की जानी चाहिए।